एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से यूं ही बैठे बैठे पूछते कि हनुमान मेरा कहा एक काम करोगे। अब प्रभु श्री राम की बात को सुनकर हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु मैंने आपका कहा कौन सा काम नहीं किया। आपके कहने पर मैं लंका गया, सीता माँ का पता लगाया, अनेक निशाचरों का वध किया और लंका को भी जलाई। बहुत से काम किए मैंने आपके कहने पर, एक छोटे से काम वाली बात कहां से आई। अब हनुमान जी महाराज की बात को सुनकर प्रभु श्री राम कहते कि हनुमंत मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम लंका जाओ, सीता का पता लगा के आओ। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम वहां जाओ, निशाचरों का वध करो, लंका को जलाओ, फिर तुमने ये सब क्यों किया। तो हनुमान जी महाराज बड़े भोले बनकर प्रभु श्री राम से कहने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा भजन सुनिएगा बड़े भाव से भक्तों। हो मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम, इसमें उस रावण का क्या गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम से कि मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम, इसमें उस रावण का क्या गया। क्योंकि फल खाना जुल्म का हो गया, हमें क्या करता क्या करता। और भाले भी चमकाए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ हनुमान फिर तूने क्या किया। तो हनुमान जी महाराज बड़े भोले बनकर कहते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, कि तो कि मेरा घोटा चालो फेंका। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि बताओ हनुमान फिर उस मेघनाथ का क्या हुआ। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु होने वाला क्या था, कि तो वो चक्कर खा के सो गया, मैं क्या करता।
जलाई। उसने रुई मंगाई अर्थात रावण ने रुई मंगाई, मेरी पूंछ पे आग लगाई, एक घर से दूजे घर तक मैंने सारी लंका जलाई। तो प्रभु श्री राम कहते कि बताओ हनुमान अब आगे क्या हुआ। तो हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु अब आगे होने को बाकी क्या रह गया था कि लंका का कबाड़ा, लंका का कबाड़ा, कि जहाजों से जो ले टक्कर से तूफान कहते हैं, कि जहाजों से जो ले टक्कर से तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, कि इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, कि इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और जो ले शैतान से टक्कर उसे वीर बजरंग बली हनुमान बोले श्री बालाजी महाराज की। लंका का कबाड़ा हो गया हमें, श्री बालाजी महाराज की।